अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का लाहौर से बहुत बहुत सलाम और कानूनी टीवी चैनल का भी बहुत बहुत सलाम। आप चैनल बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे प्यार भरे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स आ रही हैं और वो जो है सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि इसकी सालगिरह आने तक मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना 1 लाख तक पहुँच जाए, ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह पहुँच भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से करना चाह रहा हूँ। वो एक मैं अक्सर फेसबुक पे मुहावरा पढ़ता था, तो वो लिखा हुआ होता था कि फेर कहंदे हो कि बूटा गालां कट दे। अब मैं भी ये कहूँगा कि फेर कहंदे हो कि बूटा गालां कट दे। आप अंदाज़ा करें, अंदाज़ा करें यार, खुदा की कसम अंदाज़ा करें कि KPK में जो एहतसाब थी ना, सूबाई एहतसाब उन्होंने बनाया हुआ था, एहतसाब नैब, वो तकरीबन बंद पड़ा था क्योंकि वहाँ पे ये मालम जब्बा केस और परवेज खटक का केस और सारे वो केस, इनके 5 साल की पिछली कारकर्दगी के बहुत सारे केस थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बंद किया हुआ था। सिर्फ पंजाब की नैब चल रही थी, सिंध को उन्होंने अमली तौर पे सियासतदानों के लिए जो है वो ख़त्म करके वो जरदारी और उनके भी केस इधर पंजाब में किए हुए थे और इस्लामाबाद में किए हुए थे। तो KPK के जो नैब था ना वो बंद पड़ा था। मैंने आज तक नहीं सुना कि KPK की नैब ने किसी भी मिनिस्टर को, उनके जो साबका मिनिस्टर थे उनको किसी को बुलाया हो। आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि KPK की नैब ने मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। फिर कहते हो कि बूटा गाला कट दे। सर अंदाज़ा करें, ये है APC के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, APC के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये गिरफ्तारियां करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है, यकीन करो कुछ बईद नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि हमारे बुजुर्ग हुए ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह दुश्मन भी दें ना, दुश्मन वो भी इज्जतदार होवे, यानी कि दुश्मनों के लिए भी कि वो इज्जतदार हो, कोई ये ना हो कि उसकी दुश्मनी मेरे साथ हो तो वो हमारी औरतों को जो है ना निशाना बनाए। ये होती है इज्जत कि जेड़े जिस बंदे नाल ताड़ी दुश्मनी है उस नाल करो, ऐ नहीं कि उसकी बेटी दे नाल या उसकी माँ दे नाल या उसकी औरतों दे नाल, यानी कि दुश्मन भी हो तो इज्जतदार हो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि देखें जी, ये हुकूमत इस हद तक ये मशवरे कर रही है, मैंने आपको बताया था पिंडी और इस्लामाबाद के हलकों में, कि मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगाई जाए, इसको कलदम करार दिया जाए, नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के और फौज के खिलाफ करार दे के इसी बहाने से इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि नहीं मलिक साहब, आप ना घबराएं और ऐसी बात नहीं है, नून लीग के वो पाबंदी नहीं लगा सकती, वो लोगों के दिलों में बसते हैं, ये वो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने मुझे हौसला दिया है कि नहीं मलिक साहब आप ऐसी बात ना करें। लेकिन मैं आज आपको यही बात कर रहा हूं कि या अल्लाह दुश्मन भी दें तो इज्जतदार दें। अब आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस भी जारी बकायदा हो गया कि 1 अक्टूबर को नैब में पेश हों। मैं तो कहता हूं कि मौलाना वहां 1 लाख बंदों के साथ जाके पेश हों, इनको लग पता जाए। और ये नैब की वजह से ही आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब जिंदा है, मुस्लिम लीग नून जिंदा है, पीपल्स पार्टी जिंदा है, वरना तो कोई जलसे जुलूस होते ही नहीं। आपको मैं कह रहा हूं कि ये
जब बंदा नशे में होता है ना, भांग के नशे में, उसको नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये टोला जो बना है ना, टोला भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। ये लेडीज को भी पकड़ सकता है, ये बंदों को भी पकड़ सकता है, ये मीडिया पे पाबंदी लगा सकता है, ये यूट्यूब पे पाबंदी लगा सकता है, ये कानूनी टीवी पे पाबंदी लगा सकता है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। अब इसके कोई इम्कान थे कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को ये जो है नैब नोटिस जारी करेगी, और वो भी केपीकी की, जो मुर्दा पड़ा था, जो बंद पड़ा था 7 साल से। आपने कभी केपी के नैब सुने? यही सुनते हैं कि जी पंजाब नैब ने ये किया, लाहौर नैब ने ये किया, इस्लामाबाद की इत्तेसाब अदालत ने। वहां तो अदालत भी बंद थी और नैब भी बंद था, क्योंकि वहां लाडले की हुकूमत थी। पिछले 7 साल से लाडले की हुकूमत आ रही है, वहां हर चीज बंद है। किधर गए हैं यार ये लोग, किधर गए हैं? लेकिन फिर वही बात, किस किस को कहें? फिर वही, फिर कहते हो कि बूटा गाला कट दे। बूटा गाला ना कटे तो की करे? अब आपको नजर आ रहा है कि जनाब ये नैब, नैब का ये चेयरमैन, यार ये कैसी चीज है ये नैब का चेयरमैन? जरा इसको देखें कि ये चीज क्या है। मां बाप कत्ल करवा के बैठा है, ये कैसा बंदा है? इसको जो इमरान खान फोन करता है, नियाजी साहब फोन करता है, ये वो नोटिस जारी कर देता है। इतना ताबेदार बना हुआ है, ये उसी वीडियो से बना हुआ है सरता पा वाली, या कोई और मसला है? ये क्या मसला है? ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, इसको पैसों की जरूरत है क्या है? क्यों ये ऐसी बातें करता है? और ये कौन है, कहां से आया है, इसका पता करो यार। ये केड़े पिंड दे ते केड़े शहर दे ते पता ते करो। आज जो आपने मौलाना फजल रहमान साहब को नैब वालों नोटिस जारी किया है ना, वो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, ये कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब 1 लाख बंदा लेके इनके नैब के दफ्तर पहुंच जाए, फिर इनकी सारी तहकीकात पूरी हो जाएंगी। मरियम नवाज ने थोड़ा सा शो किया था ना, तो उसके बाद अब तक मरियम नवाज को उन्होंने नहीं बुलाया। भाई एक जब चीज हद से गुजरती है ना, तो वो खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, और जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मिट जाएगा जुल्म तुम्हारा। तो आपने मौलाना फजल रहमान साहब को जो है ना वो नोटिस जारी कर दिया, आपने बदनवानी की है जी, आपने बदनवानी की है। कौन सी निकाली है मौलाना साहब की बदनवानी? अब तो वो 2.5 साल से वैसे भी हुकूमत से बाहर हैं, वो जाती तौर पे तो 2.5 साल से बाहर हैं, कितने केस निकालोगे? ये जैसे केस तुमने मीर शकील रहमान का 36 साल के बाद निकाल लिया। कोई हद होती है जुल्म की? कितने जुल्म कर रहे हो? वो कहते हैं कि इतने जुल्म करो जितने सह सको। मैं नियाजी साहब आपको बता दूं कि आपने सदाबहार के तौर पे नहीं आए, बड़े बड़े वजीर आजम आए, वजीर आजम तक पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं होती। शौकत अजीज को कोई नहीं जानता, मुइन कुरैशी को कोई नहीं जानता, चौधरी परवेज लाई वगैरह ये आए हैं जनाब, ये चौधरी शुजात वगैरह आए हैं, तो क्या ये आप आए हैं तो बड़ी बात हो गई है? कोई बड़ी बात हो गई है? आपका इंतकाम ठंडा ही नहीं हो रहा? कोई काम की तरफ तवज्जो दो। लोग गरीब मर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो दो। एक ही ठेका लिया हुआ है आपने, नैब के लिए ठेका लिया हुआ है, और फिर नैब कहता है मैंने करोड़ों रुपए बरामद करवाए हैं। एक बंदे ने कहा जी सलीम बुखारी ने, उनका मैं चैलेंज करता हूं ये साबित करके दिखाएं कि इसने कोई 1 रुपया भी सियासतदानों से निकलवाया है, और कह रहे थे मैंने कितने 100 अरब निकलवाए, किससे निकलवाए बताओ? नवाज शरीफ ने दिए, जरदारी ने दिए हैं, ये जितने भी आसन इकबाल ने, साद रफीक ने, जितने भी पकड़े हैं, किसी का बताओ फिर किससे आपने निकलवाए हैं पैसे?
आज आपने मौलाना साहब को नोटिस जारी करके ना अच्छा नहीं किया, वैसे तो आप सारे ही काम अच्छे ही नहीं कर रहे। फिर कहते हो कि बूटा गालां कट दे, बूटा गालां ना कटे तो बूटा की करे, फिर बनते हैं मौलाना को, मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस बनते हैं? आप मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, बनते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस? कौन सी मौलाना साहब की प्रॉपर्टियां निकल आई हैं, जरा बताओ तो सही ना लोगों को। सारा झूठ के सहारे सारा कुछ चल रहा है, रोजाना पेशियां पोजीशन ही भुगत रही है, भुगत रही है। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएंगे, तिलकल अयाम नुदावेलुहा बैननास, हम ये दिन फेरते हैं, आपके ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे, आपके ऊपर भी आएंगे। और अपोजिशन के लिए ये कह रहे हैं कि इन्नमा अल उसरे युसरा, हर तंगी के बाद आसानियां हैं। इंशाल्लाह ताला अच्छे अच्छे दिन आएंगे, अपोजिशन के भी अच्छे दिन आएंगे। हम आपके इस नोटिस की मजम्मत कर रहे हैं कानूनी टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, और ये मेरे कानूनी टीवी चैनल के फॉलोअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर की तरफ से आप कर रहे हैं ना मजम्मत इस बात की। थैंक यू, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो पहुंचाएं जावेद इकबाल नैब तक।